अस्सलाम वालेकुम जी ख्वातीन व हज़रात, लाहौर में सुबह सुबह बारिश हो रही है और इस टाइम पे जहाँ पे यूजुअली तकरीबन 30-40 बंदा होता है पार्क में, आज सिर्फ 3 लोग हैं, चौथा मैं हूँ। ट्रैक मडी है और ड्रिजल हो रही है, ठंड काफ़ी है हम लाहौरियों के हिसाब से। और द डिसीजन वाज कि आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई डू डेली नो मैटर व्हाट, द पावर ऑफ रिचुअल्स, व्हिच मींस द लेसन दैट आई वाज रिमाइंडिंग टू माय सेल्फ। और मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि इंसान जो डेली बेसिस पे सोचता है और अमल में लेके आता है ना, वही उसके साथ होता है। सो आपके जो रिचुअल्स हैं, क्या वो इतने कंपेलिंग हैं, क्या वो इतने अपलिफ्टिंग हैं कि वो आपकी वेल बीइंग, मेंटल और फिज़िकल वेल बीइंग को सपोर्ट कर रहे हैं? यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन, नंबर वन। नंबर टू, क्या जो आपने अपना स्टैंडर्ड बनाया कि मैंने ये एक सर्टन दिखना है या मैंने इतना वेट लूज़ करना है, क्या वो स्टैंडर्ड है या एक ख्वाहिश है? इसमें फ़र्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैंडर्ड एंड अ विश इज दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस वी ट्राई टू फुलफिल दोज स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। आई मीन थिंक अबाउट इट, आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए तगड़ा करते हैं बिकॉज यू वॉन्ट दैट सर्टन मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर योर चाइल्ड, यू हैव मेड इट दैट स्टैंडर्ड एंड यू विल अचीव इट नो मैटर व्हाट। लेकिन जब अपनी फिटनेस की बात आती है या अपनी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ की बात आती है, तो वो हमारे लिए एक विश हो जाती, हाँ मुझे करना चाहिए। सो ये चीज़ें हैं कि जो सक्सेस और फेलियर में फ़र्क करती हैं। और लास्ट पॉइंट आपको, आपके लिए, कि जो तरीक़ेकार आप फिटनेस के लिए, अपनी मेंटल फिटनेस के लिए और फिज़िकल फिटनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो तरीक़ेकार ऐसा है कि वो आपको डेली मोटिवेट और इंस्पायर करे, ना कि आपको थकाए उस प्रोसेस में। सो द प्रोसेस हैज़ टू बी ऑल्सो फन एंड लविंग, यू हैव टू लव द जर्नी, इट हैज़ टू बी सच। सो आई होप दिस अर्ली मॉर्निंग मैसेज हैज़ इंस्पायर्ड यू टू बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन 2018। आई एम गोइंग टू गो बैक एंड एंजॉय माई रन एंड जॉग एंड डू व्हाट आई डू नो मैटर व्हाट। हैव अ गुड डे अहेड, अल्लाह हाफिज़।